अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेल मी वन थिंग आई वांट अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू फील व्हाट वेंट रॉन्ग विद राहुल गांधी बेस्ड ऑन जस्ट बिकॉज इफ यू लुक एट इंटरनेट स्पेसिफिकली तो मतलब बहुत ट्रोल किया जाता है उन्हें राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे स्पेसिफिकली। अब ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है क्या हुआ बिकॉज इफ़ गांधी फैमिली हैड अ लेगेसी फ्रॉम सिंस लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल टुडे दे हैव लाइक अ लेगेसी ऑफ कि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे पावर अपोजिशन हर जगह मतलब देवर इन देवर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फैमिलीज इन द कंट्री। सो व्हाट डू यू फील कि आज तक इतना ज़्यादा ट्रोल और इतना ज़्यादा सिस्टम किसी और के साथ नहीं हुआ तो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम? बेसिकली क्या है ना मैं आपको एक डिफरेंस देता हूँ जैसे आपने एक सिंपल बहुत बेसिक भाषा में बात कर रहा हूँ मैं टेक्निकल नहीं जानना चाहता जैसे आपका पॉडकास्ट अब आपके पॉडकास्ट आपने जीरो से शुरू किया आपने देखा क्या गलती हो रही है क्या चीज़ सही हो रही है और आपने अपनी मेहनत से इसको एक पॉपुलर पॉडकास्ट चैनल बनाया राइट आज आप एक ब्रांड हो इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री में। जान लो मैंने जब शुरू किया अपना इलेक्शन कंपनी तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया मैंने अपने शो अपनी मेहनत से करे और ईश्वर की तो कृपा रहती है। देश का जो व्यक्ति है ना वो उन लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करता है जो कुछ ज़मीन से उठ के बनते हैं। अब जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन होता है तो जनता देखती है कि यार ये आदमी ने 10 साल चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रूव किया ये व्यक्ति ज़मीन से नीचे से उठा ऐसा नहीं कि उसको ऊपर से थोप दिया गया और ये व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है। वहीं राहुल गांधी के रूप में जनता ये देखती है कि यार उसके पास सत्ता सब कुछ थी उसको एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में देखती है और उसने ना भारत को एक्सपीरियंस नहीं किया। अब मोदी के साथ क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ क्या है कि यार वो उनको ग्राउंड में वार्ड लेवल पे भी क्या चल रहा है उसकी भी समझ होगी और वो व्यक्ति को ग्लोबल लेवल पे भी अपनी पूरी समझ होगी इज ट्रांजिशन एंड मूव्ड अपवर्ड आप समझ रहे हो। तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेरिट राहुल गांधी के साथ में उनके साथ में सब पावर मतलब यार उनकी फैमिली हैज गवर्न दिस कंट्री फॉर मोर देन 50 ईयर्स बट जब उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई ही वॉज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन सो ही उनके कोई ओरिजिनल थॉट प्रोसेस एमर्ज नहीं हो पाए। तो राहुल गांधी ने देश को ना एक्सपीरियंस नहीं किया है तो अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक प्रोजेक्शन करने के की क्या राहुल जो जमीन से कनेक्टेड है मोदी तो 24 घंटे 40 साल तक वही कर चुका है तो टोल राहुल गांधी इसीलिए हुए बिकॉज राहुल गांधी को पोजीशन किया गया एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बाय कांग्रेस पर उसमें वो परिपक्वता या वो जमीन से उठी हुई समझ नहीं थी तो राहुल वाज ड्रिवन बाय ऑल हिज एडवाइजर्स। जैसे मान लो मैं अगर आपको बोलूं यार राज तू ऐसे यूट्यूब पे व्यूज लेके आ और मैं गलत बोल रहा हूं तो यू विल फाइंड इट आउट बिकॉज क्यों उनको पता है निटिग्रिटी क्या है। राहुल के साथ ये इशू हुआ और राहुल गांधी के साथ ये सबसे बड़ा इशू है। ओके आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वो सारा मेरे को नैरेटिव बहुत सारी बातें करी हमने। मैं एक चीज कहता हूँ जो तुमने मेरे को एक बड़ा कहेगा पत्रकार उसमें मैं ये ओपन चैलेंज अपने सभी व्यक्तियों को कहता हूँ मैंने अपने पूरे करियर में एक फेक न्यूज नहीं चलाई है नॉट इवन अ सिंगल फेक न्यूज। अगर किसी को दम है अगर जिसको मान लो मुझसे कोई डिसअग्री करता है किसको लगता है कि मान लो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे बता दो एक फेक आप मेरे से अग्री कर सकते हो मुझसे डिसअग्री कर सकते हो आप मुझे प्यार कर सकते हो मुझे गाली दे सकते हो आपका राइट है मैं उसको सर आंखों पे लूंगा पर आपको मैं कहना चाहता हूं मैंने जीरो फेक न्यूज चलाई है जीरो। एक ऐसी कोई बता दे कि एक खबर मैंने करो जिसमें पैसा लेके क्या हो मैं नाम बदल दूं अपना दैट इज ऑनेस्टी। वो झूठे लोग होते हैं जो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं मीडिया के अंदर तुम कह रहे हो वो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं पीछे गलत काम भी करेंगे झूठी चीजें भी चलाएंगे फेक न्यूज भी चलाएंगे ये क्राइम है। ओपिनियन देना क्राइम नहीं है झूठ या फेक न्यूज चलाना क्राइम है। कॉन्शियसली फेक अनकॉन्शियसली कई बार वो फैक्चुअल मिस्टेक हो जाती है पर कॉन्शियसली कोई फेक न्यूज मैं तो कह रहा हूँ अनकॉन्शियसली भी कोई फेक न्यूज नहीं चलेगी ये है चीज ये सच्चाई है ये मैं कहना चाहता हूँ। ये वाली क्लिप पे एंड करते हैं और ये वाली क्लिप सबके लिए रखते हैं कि अगर जो भी ये देख रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं पे आपने कभी फेक न्यूज चलाई है फैक्चुअली गलत फैक्चुअली तो कॉमेंट करो और बताओ कि 100% 1000% 100,000%। I definitely want to see this because this is an interesting thing because I can see that in your conviction and thank you so much कि आपने time spend किया। मेरे को एक question आपसे पूछना आपके podcast में ना हमेशा से आप लोगों से पूछता हूँ मैं आपसे एक question पूछता हूँ। पूछो। मुझे बताओ कि आपने जो podcast channel चालू किया और दो साल में
इतनी ग्रोथ इज नॉट ऑर्डिनरी, मतलब जनता ने आपको बहुत प्यार दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, जनता किसी भी चीज़ को देखती तो उसमें कोई एक वैल्यू एडिशन देखती है। आपके हिसाब से दो चीज़, आपने जब पॉडकास्ट चैनल चालू किया क्यों किया? क्योंकि आप ऐसे कोई जर्नलिज्म बैकग्राउंड से तो आते नहीं हो दोस्त, मेरे इंदौर के रहने वाले, मेरे शहर से आते हो, तो हम लोग तो पोहे समोसा कचौड़ी इसी में चीज़। और बॉम्बे आके पॉडकास्ट चैनल चालू करना, मंत्री आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो चालू का थॉट कैसे आया? और आपको क्या लगता है कि व्हाट डिफरेंशिएट्स योर, मतलब आप क्या ध्यान रखते हो जब भी एक पॉडकास्ट करते रहते हो, और कि व्हाट आप क्या इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि मैं किसको कैटर करूँ, मेरी ऑडियंस के साथ मेरे को क्या वो चीज़ है जिसका ध्यान रखना है? डन, बताता हूँ। तो सिंपल आइडिया था जब स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, और आज भी वही आइडिया। हर मेरे दिमाग में एक ड्रीम है कि हमेशा हम बचपन से सुनते आते हैं अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम मतलब क्या? कि तुम कहीं भी किसी भी देश के हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, और कितना भी पैसा हो, तुम जीरो हो या हीरो हो, तुम अमेरिका जाके कुछ अपने दम पे स्टार्ट कर सकते हो और एक ही ज़िंदगी में ज़ीरो से हीरो बन सकते हो, राइट? तुम कहीं के भी आओगे तुम मल्टी मिलियनेयर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। ये अमेरिकन ड्रीम बचपन से सिखाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन ड्रीम के दिन ख़त्म हो गए, अब टाइम है इंडियन ड्रीम का। हिंदुस्तान के अंदर इंडियन ड्रीम का टाइम है। अब आप इंडिया में, वो टाइम चले गया कि जहाँ पे सेठ का बेटा ही सेठ बनेगा, या आप एक पर्टिकुलर कास्ट के आते हो या पर्टिकुलर शहर से आते हो, अगर आप बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर के हो तभी आप बड़े बनोगे, गए वो दिन। आप किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी शहर, किसी भी गाँव, किसी भी कास्ट से आते हो, आप बड़े बन सकते हो, राइट? तो अब टाइम है इंडियन ड्रीम का। लेकिन ये तो हो गई, ठीक है, मेरा बिलीफ, ये मेरा ऑप्टिमिज्म है। इसको करने के लिए चाहिए क्या? इंडिया में अपॉर्चुनिटी को तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी मेरे चैनल का नाम भी था फिगरिंग आउट, कि मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, फिगरिंग आउट द इंडियन ड्रीम। मुझे लगता है इंडियन ड्रीम का टाइम है, बट इसको फिगर आउट कैसे करें? तो उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने कुछ कर दिया है ऑलरेडी। तो हमने स्टार्ट किया आसपास की, कि चलो छोटे छोटे बिजनेसमैन को बुलाते हैं, फिर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने जीरो से बिलियन बिलियन डॉलर पाँच पाँच साल में कमा लिए, दस साल में कमा लिए, कि भाई तुम कुछ भी नहीं थे, 8-10 हज़ार रुपये की तुम्हारी नौकरी थी, आज तुम 10 हज़ार करोड़ की कंपनी चला रहे हो। तो उन लोगों को बुलाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार सिर्फ बिजनेस नहीं, लोगों को तो कल्चर समझना पड़ेगा, लोगों को म्यूज़िक समझना पड़ेगा, मार्केटिंग समझना पड़ेगी। तो हम धीरे धीरे म्यूजिशियंस को लेके आए कि यार म्यूजिशियन सबसे बढ़िया मार्केटिंग करते हैं, उनको गाना फैलाना आता है, उनसे सीखा। फिर हम पॉलिटिशियंस को लेके आने लगे कि यार वो इंडिया को कैसे देखते हो और इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रॉम डे वन बहुत सिंपल था कि इंडिया का जो ड्रीम है, अगर इंडियन ड्रीम हमें पाना है, तो वो आज के लीडर से कैसे सीखें और ये सबके सामने बताएं, ताकि कल के लीडर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। दैट वॉज द थीम। ऐसे करके स्टार्ट किया और आज तक हम उसी पे हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लीडर्स ऑफ टुडे टू बिल्ड लीडर्स ऑफ टुमारो। सिर्फ बेसिक चीज़ है, क्योंकि मुझे बनना है एक इंडिया का लीडर, और मैं चाहता हूँ मैं बनूँ या ना बनूँ, मेरे साथ सारे लोग देख के अगर मैं बन जाऊँ तो सेम उनको प्रोसेस मिल जाएगा कि भाई ये करना है, ऐसे बन जाते हैं। और अगर मैं नहीं बन जाऊँ तो लोगों को पता है भाई ये गलतियाँ नहीं करनी है, देख लो। इन बोथ द केस आई एम डूइंग माई पार्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था स्टार्ट करने का। अब हमारा ऑब्जेक्टिव कि क्यों लगता है कि हम थोड़ा, मतलब जल्दी ग्रो हुए या लोगों ने हमें बहुत जल्दी प्यार दिया, आई थिंक उसका राइट आंसर नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता क्या आपकी किस्मत अच्छी है, क्या भगवान आपके साथ है, क्या आपकी लक अच्छी है, क्या लोगों ने देख लिया कुछ, मेरे बोलने का तरीका, मेरी शक्ल अच्छी है, मेरी बात करने का तरीका अच्छा है, लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, या मैं एक इंदौर से आया हूँ, इंदौर से छोटे शहर से आके बॉम्बे में आके मैं बड़े सपने रहा हूँ, टीयर टू सिटी से टीयर वन आके वो कनेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। बट मुझे जो लगता है कि हर पॉडकास्ट पे जब भी मैं ध्यान रखता हूँ, हम एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि क्या हम कुछ लोगों को सिखा रहे हैं। तो आई थिंक मैं टीचर हूँ अपने अंदर, कि मैं दुनिया से सीखता रहता हूँ और मेरे को सिखाने का बहुत शौक है। तो क्योंकि मैं हर चीज़ में टीचिंग लाता हूँ, तभी आई थिंक मेरे पॉडकास्ट दूसरों से डिफरेंट है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है, और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल, इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लेते हैं आपके लिए।